good morning students today we will do the remaining exercise from your computer textbook that is from page number 63 open your textbook page number 63 multiple choice questions first question the intersection of a column and row is called a option border table cell answer is cell c me aapko टिक करना है टेबल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द डैश टैब ऑप्शन टेबल इंसर्ट होम ऑप्शन में बी है आंसर इंसर्ट विच की शुड बी प्रेस्ड टू मूव द मूव टू द प्रीवियस सेल प्रीवियस सेल में पहले वाला सेल में जाने के लिए कौन सा की प्रेस करना है टैब शिफ्ट प्लस टैब राइट एरो उसमें आंसर इज बी शिफ्ट प्लस टैब नाउ फोर्थ वन द फंक्शन की इज यूज टू अपडेट द टोटल इन ए सेल आंसर में एफ सेवन एफ एट एंड एफ नाइन आंसर इज एफ नाइन आंसर इज एफ नाइन Which function key is used to update the total in a cell? Answer F9. Now, from page number 64, answer the following questions. First question How do you insert a table in your document? Explain any two methods briefly. देर आर थ्री मेथड्स थ्री मथर्ड तो है उसमें से टू मेथड्स आपको लिखना है ये थ्री मेथड्स आर मैंशनड इन पेज नंबर सिक्सटी टू पॉइंट ए ग्लाइंस में मैंशन किया है उसमें से पहला टू पॉइंट मैंने लिखवाया है कौन सा पेज में है पेज नंबर सिक्सटी टू में पॉइंट सेट ए एग्लाइंस उसमें देर आर थ्री वेज टू इंसर्ट ए टेबल इन ए डॉक्यूमेंट उसके नीचे थ्री पॉइंट्स दिया है वेस उसमें से पहला टू मैंने लिखवाया है फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट वे कौन सा है इंसर्ट टैब क्लिक ऑन इंसर्ट टैब इंसर्ट टैब में क्लिक करना है देन टेबल बटन सेलेक्ट करना है नाउ सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज वी नीड फॉर द टेबल फर्स्ट मेथड क्या है इंसर्ट टैब में क्लिक करो देन टेबल बटन देन सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज वी नीड फॉर द टेबल नाओ सेकेंड ऑप्शन सेकेंड मैथड क्या है इंसर्ट टैब देन टेबल बटन देन इंसर्ट टेबल सेकेंड मेथड इज इंसर्ट टैब में क्लिक करो टेबल बटन सेलेक्ट करो इंसर्ट टेबल वो सेलेक्ट करो नाओ सेकेंड क्वेश्चन हाउ विल यू इंसर्ट ए कॉलम इन ए टेबल आप कैसे कॉलम इंसर्ट करेंगे उसके लिए क्या करना है सेलेक्ट है कॉलम आप पहले कॉलम सेलेक्ट करना है कहाँ पे आपको कॉलम इंसर्ट करना है उस उधर सेलेक्ट करना. करना है देन क्लिक ऑन लेआउट टैब लेआउट टैब में क्लिक करना, करना है देन रोज एंड कॉलम्स लेआउट टैब में से रोज एंड कॉलम सेलेक्ट करना ग्रुप सेलेक्ट करना है देन क्लिक ऑन इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट बटन उसके बाद रोज एंड कॉलम में से आपको इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट बटन क्लिक करना है आपको लेफ्ट में इंसर्ट करना, करना, right करना है तो इंसर्ट लेफ्ट प्रेस करना है अगर राइट में इंसर्ट करना है तो इंसर्ट राइट बटन तो दीज आर द मेथड ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ कैन यू डिलीट रोज एंड कॉलम्स इन ए टेबल रोज एंड कॉलम्स कैसे डिलीट करेंगे स्टेप सेलेक्ट द रो और कॉलम पहले क्या करना है सेलेक्ट करना है रो और कॉलम उसके बाद क्या करना है देन राइट क्लिक द माउस किस को क्या करना है राइट क्लिक करना है माउस को राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट डिलीट कॉलम और डिलीट रो उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद जो मेन्यू आएगा उसमें से सेलेक्ट डिलीट कॉलम और डिलीट रो आपको कॉलम डिलीट करना तो सेलेक्ट डिलीट कॉलम सेलेक्ट करो रो डिलीट करना तो डिलीट रो सेलेक्ट करना है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर हाउ विल यू कैलकुलेट द सम इन ए टेबल आप कैसे टेबल में सम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए क्या करना चाहिए सेलेक्ट द लेआउट टैब लेआउट टैब सेलेक्ट करो क्लिक ऑन फार्मूला बटन उसके बाद फार्मूला बटन में आपको क्लिक करना है देन सेलेक्ट सम उसमें से फार्मूला में से सम सेलेक्ट करना है देन क्लिक ओके उसके बाद ओके बटन प्रेस करना है नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव वाट इज़ द यूज ऑफ स्प्लिट सेल ऑप्शन स्प्लिट सेल ऑप्शन का यूज़ क्या है टू डिवाइड ए सेल इंटू मैनी सेल्स वी यूज द स्प्लिट सेल ऑप्शन किसके लिए यूज करते हैं स्प्लिट सेल ऑप्शन टू डिवाइड ए सेल इंटू मेनी सेल्स एक सेल को बहुत सारे सेल में डिवाइड करने के लिए यूज़ करता है वी यूज द स्प्लिट सेल्स ऑप्शन क्वेश्चन हाउ विल यू चेंज द कॉलम विथ कॉलम विथ आप कैसे चेंज करेंगे उसके लिए क्या करना है क्लिक ऑन लेआउट टैब लेआउट टैब में क्लिक करना है क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज बटन उसमें से प्रॉपर्टीज बटन में क्लिक करना है देन कॉलम टैब सेलेक्ट करना है देन प्रीफर्ड विथ सेलेक्ट करना है देन ओके स्टेप्स टू बी फॉलोड क्या है